इतनी बड़ी लूट आज तक इतनी बड़ी लूट नहीं हुई होगी, लेकिन भूल गए कि नहीं आप? सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए। एक पत्रकार से किसी ने पूछा कि आप बताओ किसके साथ हो, कांग्रेस के साथ हो कि भाजपा के साथ हो कि किसके साथ? दो काम किसी के साथ नहीं है, पत्रकार है, खाऊ मां कसम। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है, खाओ मां कसम। कोई ईमानदारी क्या इस देश में बची है? तो खाइए मां कसम। उसी शैली में अगर मैं कहूं कि भूल गए थे कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट, जो इस देश की सबसे बड़ी लूट थी, और उसके जरिए वित्त मंत्री के ऊपर FIR। अब बाकी सवाल का जवाब आप खुद दें, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संत कबीर लिख गए कि होशियार रहना रे, नगर में चोर आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड याद है या भूल गए? इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे लाया गया था पारदर्शिता के नाम पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले के बाद पता चला कि लूट के नाम का सबसे बड़ा पर्याय बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। और उसमें सबसे ज्यादा लूट उसने लिया जिसने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन अकेले अपने सबसे ज्यादा खाया गया, उसका हिसाब क्या हुआ पता नहीं। आज एक खबर ये आ रही है कि उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर कर्नाटक में एक FIR दर्ज कर दी गई। मुकदमा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश के वित्त मंत्री के ऊपर। क्या हो रहा है इस देश में? इस देश के प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषणों में जोर जोर से चीख चीख के कहा था जो इन्होंने कई सालों से लूटा है मैं उसे वापस लेकर जनता में बांट रहा हूं। मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहां क्या मिल रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सब खा गए और FIR हो गई। क्यों भाई, फकीर के झोले में क्या क्या है? कभी आपने देखा कहीं फकीर झोला उठाकर चलने न वाला हो? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। इस देश की 53 दवाओं को सैंपल टेस्ट में फेल पाया गया, और दूसरी तरफ आंकड़ा बताता है कि उन दवा कंपनियों से सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने लिया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दवाएं फेल हो रही है टेस्ट में, लेकिन चंदा देने में वो पास हो रही है, और सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले लोग उसी पार्टी के हैं जिसके नेता ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। सवाल मेरा आपसे है, या आप क्या भूल गए? कसम खाकर बताइए, याद है इलेक्टोरल बॉन्ड? याद है सबसे बड़ी लूट? याद है आपको? नहीं याद है ना? चलिए आपको विस्तार में उसके बारे में बताता हूं कि क्या थी वो सबसे बड़ी लूट और क्यों हुई निर्मला सीतारमण के ऊपर FIR। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण खबर जो इंडिया टुडे ऑनलाइन से मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि सोर्स बताना पड़ता है ना, आप तो भाजपा से है ना कि कुछ भी बोल दें और कोई आपको दिक्कत ना हो, लेकिन मीडिया बोल रही है और कुछ खबरें होती हैं जिसको मीडिया जानबूझकर छिपा भी नहीं पाती। तो यह मुख्य खबर की हेडलाइन है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली को लेकर निर्मला सीतारमण के ऊपर मामला दर्ज हो गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा मामला आप समझ रहे हैं ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठे थे। फरवरी मार्च 2024 का महीना जब इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम आरोपों को सामने देख करके सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक घोषित कर दिया, रोक दिया, बैन कर दिया और खरीदारों की सूची जारी की। आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह सारा मामला गया, SBI एक संस्था थी जिसके जरिए यह सब कुछ होना था, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब उन्होंने कहा कि भाई आप सारे रिकॉर्ड दो, तो उन्होंने कहा कि कितना चंदा किसको मिला है या किसने किसको चंदा दिया है, ये सारे रिकॉर्ड बताने में कई महीने लग जाएंगे। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक संस्था सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी लेन देन हुआ है उसका लिंक जोड़ करके डेटा सार्वजनिक करने में कई महीने लग जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो कुछ ही दिन में वो सारा डेटा सार्वजनिक हो गया।
इसका मतलब क्या है? कल्पना करिए कि उस जज की जगह पर कोई और जज बैठा होता, तो कितना मामूली से अंतर से पूरी प्रक्रिया कितनी बदल जाती। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो रहे हैं, एक वीडियो बनाऊंगा इस पर विस्तार से, अलग से कोलेजियम सिस्टम और जुडिशियरी को लेकर के। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर कदम उठाया, और जैसे ही वो सारी बात सार्वजनिक हुई, एसबीआई को फटकार लगाई, कहा कि 2018-19 से लेकर के अब तक सारे मामले इतने दिन के भीतर वेबसाइट पर आ जाने चाहिए। एसबीआई ने उतने दिन के भीतर वो सारा वेबसाइट पर डाल दिया। कल्पना करिए, सारे मामले वेबसाइट पर आ गए, और इसके बाद क्या हुआ? अखबारों में और मीडिया में सीधे खबर चलने लगी। बीबीसी ने 19 मार्च 2024 को एक हेडलाइन चलाई जिसका नाम ही था, इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर चुनौतियां सामने आ गई। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सारी जानकारियां 21 मार्च तक दाखिल कर दे और कोई जानकारी छिपी ना हो। उसके बाद जब पूरा आंकड़ा सार्वजनिक आया, तो बीबीसी की यह रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6,986 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा है। उसके बाद टीएमसी को 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए, बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए, बीजेडी को 944 करोड़ रुपए, डीएमके को 656, ऐसे करके पूरी सूची बीबीसी ने जारी की। इलेक्टोरल बॉन्ड में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, 1,368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। फिर मेघा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन, फिर वेदांता, हल्दिया एनर्जी और एसएल माइनिंग, इस तरह से बहुत डिटेल में सारी जानकारी पब्लिक हो गई। तो भारतीय लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लाया था कि पारदर्शिता होगी, चंदा पारदर्शी होगा, प्रभावित नहीं करेगा सरकार को, नीतियों को, और हम एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके एक पारदर्शिता के साथ सारा काम करेंगे। पता चला भाई साहब, 4-5 साल में ही पारदर्शिता के नाम पर तो लूट लिया अकेले भारतीय जनता पार्टी ने। अभी एक मामला ताजा चल रहा है, इसको जोड़ दूं, फिर निर्मला सीतारमण वाले मामले पर लौटता हूं, बहुत जरूरी चुकी मामला है। अभी एक खबर आई कि 53 दवाएं ऐसी हैं पैरासिटामोल से जोड़ करके जो टेस्टिंग एजेंसी के सामने फेल हो गई, वो सही साबित नहीं हुई, यानी उसको जो खरीद के खा रहा है इस देश का गरीब कमजोर मजलूम, तो दवाओं से इलाज की बजाय बीमार हो रहा है और जान खतरे में है। अब जरा दवा से जुड़ा हुआ यह जब आया मामला, तो सीधे फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से इसको जोड़िए, और तब फिर आऊंगा निर्मला सीतारमण वाले मामले में। दवा कंपनियां आम तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके उन पार्टियों को दे रही हैं जिनकी सबसे ज्यादा सरकारें हैं, ताकि वो अपने मुताबिक ये सारे फैसले करवा सके, और ये सारे सैंपल में फेल होने वाली दवाओं में बहुत बड़ा भूमिका है इसकी, इलेक्टोरल बॉन्ड की। न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर के मुताबिक दवा कंपनियों द्वारा दिए गए 945 करोड़ रुपए में से अधिकांश फार्मा इकाइयों वाले राज्यों में शासन करने वाली पार्टियों को गए। भाजपा ने गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्यरत कंपनियों से 140 करोड़ रुपए प्राप्त किए। 27 मार्च 2024 की खबर है, और इसमें एक सूची है। उस सूची के मुताबिक प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, हाउ मच डिड इट ईच पार्टी गेट फ्रॉम ड्रग फर्म्स, दवा कंपनियों से। भारतीय जनता पार्टी ने 393.95 करोड़ रुपए का चंदा केवल दवा कंपनियों से ले लिया। आप सोचिए ना, बीआरएस से लेकर के, बीआरएस उसके बाद तो दूसरे नंबर पे, क्योंकि उसने भी बहुत चंदा वहां से लिया। और बीजेपी ने टोरंट फार्मा कंपनी, अब इन कंपनियों का नाम सैंपल में फेल हुई कंपनियों से जोड़िए, भाई देश आपका है, बीमार आप हो रहे हैं, दवाई आपको चाहिए। सुनिए देखिए किस्सा, टोरेंट फार्मा 77-78 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देती है। सिप्ला, यानी टोरेंट फार्मा ने अपने चंदे का 80% अकेले बीजेपी को दिया। सिप्ला ने 94% अकेले बीजेपी को दिया। एमएनएस ग्रुप ने 50% बीजेपी को अपना चंदा दिया। अब कल्पना करिए कि ये मतलब दवा कंपनी सीधे उनसे रिश्ता इनका क्या बनता है। और इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े भारी चंदे उन लोगों को दिए जिन लोगों से उन्हें नीतियों में फायदा उठाना था। कल्पना करें कि एक जमाने में समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। लोकतांत्रिक देश में जेब देख करके इलाज होना, जेब देख करके शिक्षा मिलना, ये तो नहीं होना था। और यहां जेबें भरी जा रही हैं फर्जी दवाओं को विक्रेता का चंदा लेकर के, और उनकी फर्जी दवाएं जो सैंपल में फेल हो रही हैं सरकार के, और उनसे आप गरीब कमजोर मजलूम की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर न खाऊंगा
न खाने दूंगा का झूठ बोलने वाले नेता ने आड़ में सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला किया, सबसे ज्यादा चंदा लूट लिया। आज भी जाकर देखिए, आपके जिले का सरकारी अस्पताल की फोटो लगाइए और बगल में उसी जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय की फोटो लगाइए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर, बिना लूटे, बिना इतना चंदा खाए, बिना यहां से पैसा कहां से आया कि हर जिले में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होकर ध्वस्त हो रही है, बर्बाद हो रही है, और उस जिले में सबसे चमचमाती इमारत प्राइवेट के बाद अगर कोई होगी तो बीजेपी की ऑफिस होगी। कहां से पैसा आया, कहां से चंदा आया, जरा इसको पड़ताल करो। इस देश के लोगों, फकीर आदमी ने झोले में क्या क्या भर लिया। और अब फिर से इस खबर पर लौटिए, इस देश के वित्त मंत्री के ऊपर मुकदमा दायर हुआ। बंगलौर की एक अदालत ने रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श नैयर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, और इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई। और उसके बाद अदालत में यह मामला गया, पुलिस ने निर्मला सीतारमण व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फरवरी में यह सारा मामला असंवैधानिक हुआ था। अब कहां निर्मला सीतारमण और बीजेपी, अब ये बताए कि कैसे इनको जो है पारदर्शी बनाया आपने। आज तक अब तो डिबेट ही खत्म हो गई, फिर से नए भाषण शुरू हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लहराते आग में एकदम चलते तपते अंगारे की तरह भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से लाइव सुन सकते हैं। संसद में खड़े होकर दहाड़ते हुए नरेंद्र मोदी आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सफाई आई क्या? कितना पता है? आप बताइए, आप इस देश के नागरिक हैं। लूट पकड़ी गई, इतना चंदा आया, तो आया चंदा दिया धंधा, पूछा सवाल आपने, मिला जवाब आपको। चंदा दो धंधा लो, धंधा रोको क्योंकि पहले चंदा दो, चंदा नहीं दोगे लो EDCBI भेजेंगे। फिर से खबरों को देखिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि अचानक आपके मोहल्ले में फिर से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और धर्म खतरे में है पेश कर दिया जाएगा और आप उसमें मशगूल हो जाएंगे और भूल जाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। फिर से देखिए खबर, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर आरोप क्या लगा। धारा 17A भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अनुसार जांच पूरी होने और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत होना है, और अब आगे जांच होगी। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मामले में निचली अदालत ने आदेश पारित कर दिया है। राज्यपाल ने धारा 17A के तहत जांच के लिए कहा और अदालत ने निर्देश दिया कि जांच 3 महीने के अंदर पूरी करके रिपोर्ट दी जाए। उल्लेखनीय है कि सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 17A की भी जांच की जाएगी। और सिद्धारमैया ने JDS नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले कुमार स्वामी इस्तीफा दे, तब वो इस्तीफा देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना चाहिए, इस्तीफे की बात तो वहां चलेगी। चुनावी बॉन्ड में जबरन वसूली मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, यह बात सिद्धारमैया बोल रहे। निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा देना चाहिए, कुमार स्वामी जमानत पर बाहर है इसलिए उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस तरह से ही यह जांच पूरी हो सकती है। कल्पना करिए कि आपके देश में बड़े बड़े नेता, अब FIR उनके ऊपर किसकी हो रही है कि जबरन चुनावी बॉन्ड से वसूली हो गई, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री इस्तीफा देंगी? क्या कुमार स्वामी इस्तीफा देंगे? या आप भूल जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश से कुछ तस्वीरें आ जाएंगी, जैसे UP से तख्तियों पर कौन हिंदू कौन मुसलमान दुकानदार नाम लिखो, हिंदू मुसलमान करो, यहां मस्जिद को मंदिर से लड़ा दो, वहां देखो वो जमीन पर नमाज पढ़ रहे, वो देखो जमीन कब्जा हो गई, ले धर्म खतरे में है दौड़ पड़ो, या तो इसी में मशगूल हो जाएंगे आप, और भूल जाएंगे कि आपके जिले का सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल खंडहर बनता जा रहा है, और आपके जिले में कहां से पैसा आया कि भारतीय जनता पार्टी 3-star, 4-star, 5-star होटल की शक्ल में ऑफिस अपना कार्यालय बना चुकी है। उसका रिश्ता इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे जुड़ता है? दवा कंपनियां फ्रॉड हैं, फेल हो रही हैं टेस्ट में, और पता यह चल रहा है कि उन दवा कंपनियों का एक मुश्त पैसा सबसे ज्यादा अगर चंदे में कोई लिया तो बीजेपी ने लिया। कोई नैतिकता कोई बची? या फकीर ने जो कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैंने इनका लूटा हुआ जनता को लौटाया, काला धन वापस आया क्या?
सौ दिन में काला धन वापस ना आए तो जिस चौराहे पर बुलाना चला जाऊंगा। क्या नरेंद्र मोदी का ये बयान याद है या भूल गए, या काला धन अब आपकी चिंताओं से गायब हो गया है? सारा ठीक ठाक होना या मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों? 50 दिन तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? काला धन के नाम पर इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन करने वाले भूल गए, आंदोलन के बाद सरकार बना करके काला धन 100 दिन में लाने वाले भूल गए, लेकिन आप तो देश की जनता हैं, आप भी भूल गए? वेयर इज काला धन? कहां है वो नोटबंदी के बाद ये दावा? सरकार ने कोई आंकड़ा जारी किया क्या कि नोटबंदी से कामयाबी ये मिली कि काला धन वापस आ गया? वापस आया तो कितना अकाउंट में गया, 15 लाख मिला क्या, या भूल गए? खत्म, अब तो 10 साल हो गया क्योंकि 2 चुनाव हो गए, देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी हो गए, तो क्या पुराने सवालों को छोड़ दिया जाए? क्योंकि नए रूप में फिर से धर्म खतरे में बताकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही करके पूरी डिबेट आपके सामने पेश की जा रही है, और आपको गायब कर दिया गया उस खबर को आपके जहन से जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट इस देश में हुई थी। इतनी बड़ी लूट आज तक इतनी बड़ी लूट नहीं हुई होगी, लेकिन भूल गए कि नहीं? आप सच सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए। एक पत्रकार से किसी ने पूछा कि आप बताओ किसके साथ हो, कांग्रेस के साथ हो कि भाजपा के साथ हो कि किसके साथ हो? दो काम किसी के साथ नहीं है, पत्रकार है, कहा खाऊ मां कसम। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है, खाओ मां कसम। वो ईमानदारी क्या इस देश में बची है? तो खाइए मां कसम। उसी शैली में अगर मैं कहूं कि भूल गए थे कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट जो इस देश की सबसे बड़ी लूट थी, और उसके जरिए वित्त मंत्री के ऊपर FIR, बाकी सवाल का जवाब आप खुद दें, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।